डरिए मत ये नागिन हमें कुछ नहीं करेगी। अरे तेरे को कैसे पता ये नाग नागिन है? भैया मुझे ऐसा लगा। आ गया मेरा पहला शिकार। खड़ा दूर हट, तू पहलवान है सपेरा ना है। नहीं नहीं पिताजी मत पकड़िए उसे, जब तक हम नागों को ना छेड़े हमें कुछ नहीं करते। मत पकड़ो उसे पिताजी, छोड़ दो। ओह नो, पिताजी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, कहीं उन्होंने इच्छा को मारवा दिया तो। नहीं नहीं क्या करूं, बता दो सबको इच्छा के बारे में। पिताजी पकड़ो मत उसे, मारो। नहीं 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 पिताजी मत मारिए इसे प्लीज, बेजुबान जानवर को मारना पाप होता है पिताजी। पिताजी आप तो समझदार हो ना, ये नागिन अपने आप चली जाएगी। रुक जाइए पिताजी, आपको मेरी कसम। अरे बावले, एक नाग को बचाने के लिए तू अपनी कसम क्यों दे रहा है? वो दादी हम शिवजी के भक्त हैं ना, और आपको पता ही है शिवजी को नाग कितने प्रिय होते हैं। अगर हम बेमतलब किसी नाग को मारेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी दादी इस नाग ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ना किसी को काटा है ना कुछ किया है। दादी नाग बेवजह किसी को नहीं डसते। ठीक है छोरे, तूने कसम दी है तो मैं इसको मारूंगा नहीं। चंचल हाँ? जा रसोई से कांच की बर्नी लेके आ। अभी ले। इस जन्म का मेरा पहला शिकार, कैद करके मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा ताकि उन्हें भी पता चले कि मैं 20% सपेरा हूँ। संभाल के ध्यान से सरफराज। पिताजी छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहा है बावले, हट वहां से। सरफराज से बचकर कहां जाएगा तू? डाल दो अंदर। अच्छा हाथ डालो अंदर, डालो 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 डालो। मेरी सपूरी मुसीबत में गुरुजी, मुझे अभी जाकर उसे बचाना होगा। जल्दबाजी मत करो शेषु, बबल है ना वहाँ, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, बचा लेगा इच्छा को। तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ मुखिया जी, आप देख रहे हैं ना मेरी सपोली वहाँ, खुद उसका ससुर उसे। मेरी सपोली के नसीब में इतना संघर्ष क्यों है? एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी में फंस जाती है। शेषु जी बबल पर भरोसा रखिए, उसने इच्छा को नेवला क्षेत्र जैसे खतरनाक जंगल से छुड़ाया, ये तो फिर एक मामूली सी बरनी है, वो छुड़ा लेगा उसे। और जहां तक रहा खड़क चाचा का सवाल, उनका जुनून सिर्फ 2-4 दिनों का है, सब अपने आप ठंडा हो जाएगा। आसपास कोई नहीं है बब्बल, यही सही मौका इच्छा को जार से बाहर निकालने का। अभी कहाँ जा रहा है तू? भैया मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा कमरा, अरे कमरा तो तेरा इस तरफ है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? थैंक यू, मैं भूल गया था। तुम ये ऐसे कैसे? बबल जी
इस सर पौधे ने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी है, मुझ में अब भी थोड़ी शक्ति बाकी है जिससे मैं ऐसा रूप ले सकती हूँ। कैसी हो तुम? अंदर आके देख लीजिए। I'm sorry, इच्छा। मुझे पता है कि अंदर। बबल जी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे ना? हाँ इच्छा, मैं वही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अभी ये ढक्कन खोलूंगा और तुम यहाँ से निकल आना, ठीक है? चंचल! ओ चंचल! क्या हाल है तेरे? मजा आ रहा है क्या? अकेलापन महसूस हो रहा है? अरे चिंता ना कर, तेरे 20-25 साथी और पकड़ के लाऊंगा, फिर तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। एग्जीबिशन लगाऊंगा मैं। कर रहा था भाई, ये बन्नी का ढक्कन क्यों खोल रहा था तू? ढक्कन? नहीं पिताजी, मैं ढक्कन नहीं खोल रहा था। देखिए ना, अब इस बर्नी में कितनी धूल जम गई है, तो मैं उसे साफ कर रहा था। अब पिताजी, आपका पहला शिकार देखने लोग आएंगे तो उन्हें साफ साफ दिखना चाहिए ना। शाबाश बब्बल, शाबाश। तुझे भी अपने पिता के पराक्रम पे गर्व है, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई भाई। इच्छा, बबल, इच्छा कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हो, जवाब ही नहीं दे रही। माँ, इच्छा तो इच्छा सो रही है। तो जगा उसे और पूछ कि मैंने कंगन दिए थे पॉलिश करने के लिए, तो वो कंगन सोनार के पास से ले आई कि नहीं? मां बाद में पूछता हूँ ना। बाद में क्यों, अभी। मां इतनी जल्दी क्या है आपको? अरे जल्दी है, आज महिला कीर्तन है, अगर बिना गहने के जाऊंगी ना तो आंटी क्या सोचेगी? आज कहेंगी गहने नहीं है, कल कहेंगी गरीब हो गए, परसों कहेंगी। रुक जा, ये। चल, रुक जा, तुम्हारे कंगन पहन जाना। अच्छा यार, इच्छा तो बुरी तरह फंस गई, पता नहीं वो उस जार के अंदर कैसे। हवा भी नहीं होगी, उसका दम घुट रहा होगा। अरे बेचारी मेरी इच्छा, क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा उसे जार के बाहर कैसे निकालूं। कोई हरकत करने जाओ और किसी ने देख लिया तो सबको एक साथ घर के बाहर भेजना भी तो मुश्किल है यार। क्या करूं, क्या करूं? हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं का कोई नाम तो होगा ना? मैं का नाम है ना, मैं का नाम एक मिनट भाई साहब, जरा होल्ड करना आप। हाँ भाई साहब, मैं का नाम सबल है, मैं सबल बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सबल छोरा, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। मौसा? कौन सा मौसा? अरे मेरा तो कोई मौसा है ही नहीं। अरे एक मिनट भाई साहब, पहले आप जरा मेरे को अपना नाम बताओ। अरे छोरा, थारी आंदाज को क्या हो गया है? मैं रामलखन मौसा बोल रहा हूँ, रामलखन मौसा। ओ, अरे रामू मौसा जी, कैसे आप? एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। रिश्तेदार। अरे मौसा जी, आपका तो मेरी लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। अरे छोरा, मैं थारा दूर का नहीं, पास का मौसा हूँ, बहुत पास का। अरे तो आपका नाम मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है फिर? अरे वो मन ने कैसे बताओगा? देख छोरा, मैं थारा मौसा हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ।
थारे घर के बाहर जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे वहां से बाहर निकाल जल्दी, वरना बाद में तुझे इतनी मार पड़ेगी ना। नहीं नहीं मौसा जी, मारना मत, आप गड्ढे में से बाहर निकालना ना आपको, एक मिनट जरा। अप्पू दादी भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अब के हो गया, तू सबका नाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो भूल गया ना मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। झूल गया? अरे तू कहाँ से झूल गया? झूला तो दादी के रूम में है। अरे भाई झूल गया नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया। अरे तो अपनी डायरी में देख ले। डायरी में तो लिखा नहीं ना मैंने माँ कुछ। अरे यार कर दी ना गड़बड़। हेलो, कौन प्रबल भैया ने फोन उठाया? हेलो आप कौन? प्रबल नाना, मैं प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ छोरा, मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। थारे घर के बाहर जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे यहाँ से बाहर निकाल जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात कर रहे हो मौसा जी? अच्छा एक काम करना, आप जब तक हम नहीं आते ना गड्ढे में ही रहना, सर बाहर मत निकालना, नहीं तो कोई गाड़ी आके आपका सर कुचल देगी। हम आ रहे हैं सबके सब। अरे जल्दी चलो, मौसा जी अपने घर के बाहर गड्ढे में गिर गए, चलो चलो। अरे यही तो मुझे आप लोगों को बताना था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इन्होंने हमारे को क्यों फोन करा? अरे छोरे हड़बड़ी में आदमी को कुछ नहीं सूझता, संकट में अपने को ही याद किया जावा है। हाँ हाँ चल जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो। ए रुक जाओ, मने तो लगता है कि प्रबल के सुनने में कुछ गड़बड़ हुई है। अरे कोई इतनी दूर से हमें क्यों फोन करेगा? मने तो लगता है ये बंदा हमारे घर के बाहर का गड्ढा है ना उसमें गिरा है। हाँ हाँ हो सके, चलो मैं चलो। चलो, चलो, चलो। एक मिनट, ये मौसा कहाँ से आटपका? मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। ये माँ, ये तो हमने सोचा ही ना था, हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा, अब क्या करूँ? अरे माना कि तेरी कोई सगी बहन नहीं है, ना उसका कोई पति है, लेकिन कोई तो है जो गड्ढे में गिरा है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। मारे घर के संस्कार। जे माँ तू रहने दे संस्कारों को, नगर पालिका वालों ने आके अगर गड्ढे पे मिट्टी डाल दी ना तो मौसम वहीं दब जाएगा। चलो 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 चलो। पिताजी मैं तो अपने कमरे में था, ये जार टूटने की आवाज सुनी इसलिए मैं बाहर आ गया। पिताजी सही। हाँ। बब्बर ये बरनी कैसे टूटी? अरे पिताजी मुझे क्या पता, हाँ लगता है नाग ने अपने फन से तोड़ दिया होगा। अरे नाग था के पहलवान, तूने उसे कहीं जाते हुए देखा? दादी देखा तो नहीं, मैं यहाँ से आ रहा था तो शायद ये नाग छत पे गया होगा। अरे बावला हो गया है के? इतनी जल्दी वो छत पे कैसे चला जाएगा? अरे किसी कमरे में तो नहीं घुस गया? हाँ, वो देखो बबल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जरूर वहीं गया होगा। नाग नाग दिख गया। अरे सांप आ जाओ, मिल गया। नहीं भैया भैया रुक जाइए, भैया रुक जाइए, इस नाग को कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ घर के भले के लिए कर रहा हूँ,
सफेद नाग की आत्मा बड़ी पवित्र होती है, उन्हें पकड़ने से या मारने से ना पाप लगता है पाप। ये नाग तो कितना प्यारा है, कितना भोला है, कितना क्यूट है। अरे एक पल में दोस्ती हो जाएगी इससे, देखना है आपको, देखना है मैं दिखाता हूँ। ए मेरे नागू, मेरे क्यूटू, मुझसे दोस्ती करोगे? देखा, हाँ बोल रहा है, मतलब अब दोस्ती हो गई हमारी। अब देखो मेरे दोस्त, जो मैं बोलूंगा वो ही करना, ठीक है? चलो अपनी पूंछ पे खड़े हो जाओ। शाबाश मेरे दोस्त, अब जरा डोल कर दिखाओ। अब आपको यकीन हो गया ना ये हमारा दोस्त है? ठीक है ठीक है, नाक को नहीं मारना है ना तो मत मार, लेकिन इसे कहीं छोड़ दे, कहीं काट वाट लेगा तो। नहीं दादी, ये नाग मुझे कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तेरे को कैसे पता? तेरे कान में बोला क्या उसने? नहीं भैया, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि सफेद नाग जहरीले नहीं होते। तू अचानक नागों के बारे में इतना क्यों पढ़ने लग गया? भैया कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। अरे आप ये सब छोड़िए ना, आप लोग सब जाइए यहाँ से, मैं नाग को खिड़की से छोड़ के आता हूँ, इतना जाएगा, ठीक है? जाओ। अच्छा अच्छा, तू जैसा कहते वैसा करेंगे, लेकिन छोरा संभाल के, ये नाग है, कोई बच्चों के खेलने की चीज ना है। हाँ ठीक है ठीक है। बब्बल तो इंटरनेशनल सपेरे का बेटा है, मैंने इस नाग पे मंत्र पढ़ दिए है, चिंता मत कर बब्बल, अब ये तेरी सारी बातें मान लेगा, अगर ना माने मुझे बुला लेना। बातें ठोकना हो गया? यस। तो चलो बाहर। या। अब चलो चलो जाओ। चलो। जाओ 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 जाओ। हाँ वेरी गुड वेरी। हाँ संभालो जाओ 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 जाओ। ओह। हाँ? इच्छा? अरे इच्छा? 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 सब चले गए हैं, अब फटाफट इंसान बन जाओ। अरे इच्छा मैं कह रहा हूं ना, घबराओ मत, जल्दी से इंसान बन जाओ। इच्छा प्लीज जिद मत करो, इंसान बन जाओ यार प्लीज। थैंक गॉड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब घर के सभी लोग बारी बारी लाठी लेकर आ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लगा जैसे। अरे मैं था ना वहां पे, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।